मुरादाबाद की हर बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और साथ में भी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर 13 जनवरी तक सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए अवकाश रखने के आदेश दिया गया था, लेकिन बिलारी के ग्राम पीपली में श्री दिवाकर शर्मा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के संचालकों द्वारा आदेश को ठेंगा दिखाते हुए शुक्रवार को विद्यालय के छात्र छात्राओं को पठन पाठन कराया गया, जिसमें इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों की माने तो इस विद्यालय में ना तो बच्चों को ठंड से बचाने के लिए साधन है और ना ही मानक के मुताबिक कोई व्यवस्था है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस कड़ाके की ठंड में विद्यालय के बच्चे के साथ कोई अनहोनी की घटना हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अभी देख ले जाऊं, अभी इधर जाता हूं, अभी देख। बेटा कौन से स्कूल पढ़ती हैं आप? बेटा कहाँ से स्कूल पढ़ती हैं आप? डेली स्कूल आती हैं? क्या तारीख है आज? 12। क्या नाम बेटा आपका? कैमी क्लास में पढ़ती हैं आप? तारीख क्या है आज? 12 तारीख। डेली स्कूल आती हैं आप? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? अपने जो अध्यापक हैं उनके प्रधान अध्यापक, क्या नाम है उनका? धीरेन्द्र शर्मा। नाम बेटा आपका? संदीप। बेटा कैमी क्लास में पढ़ते हैं आप? स्कूल का पूरा नाम क्या है? श्री दिवाकर शर्मा मेमोरियल पब्लिक स्कूल। कौन से गांव का स्कूल है ये? पीपली। तो ये डेली खुलता है? डेली खुलता है? डेली स्कूल आते हो आप? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? मोनिका। मोनिका जी कहाँ पढ़ती हैं आप? किस क्या क्या नाम है स्कूल का? TSM पब्लिक स्कूल। अच्छा, क्या भी क्लास में पढ़ती हैं? फिफ्थ। पढ़ने कहाँ से आती हैं? पीपली। पीपली से। अपने जो अध्यापक हैं, क्या नाम है उनका, हेड मास्टर साहब का?